क्या ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा को फ्लॉप कराने में इसकी मार्केटिंग देख रही एजेंसियों ने बड़ी भूमिका निभाई, या फिर फिल्म के सिनेमा घरों तक पहुंचने से ठीक पहले रिलीज किया गया गाना अल्कोहलिया फिल्म की ब्रांडिंग खराब कर गया। कहीं फिल्म की लखनऊ की पृष्ठभूमि वाले सेट अबू धाबी में बनाना ही तो फिल्म बनाने वालों पर भारी नहीं पड़ गया। दोस्तों, ये वो सारे सवाल है जो देश के अलग अलग शहरों में ये फिल्म देखने वालों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुंबई में ऋतिक रोशन को चाहने वाले लोगों से लेकर उत्तर भारत के दर्शकों तक से इस बारे में बीते एक हफ्ते में अलग अलग दौर की बातचीत में हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर मामला कहां गड़बड़ हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन कमजोर कड़ियों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई। कमजोर कड़ी नंबर एक, अल्कोहलिया। दोस्तों, फिल्म विक्रम वेदा इसी नाम की एक तमिल फिल्म का रीमेक है। तमिल फिल्म 11 करोड़ रुपए में बनी और इसने करीब 60 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कारोबार किया। विक्रम वेदा हिंदी में बनी और इसका बजट रहा करीब 175 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने करीब 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इस बारे में फिल्मों के शौकीनों से जब बात की गई तो लोगों ने माना कि अल्कोहलिया गाना में ऋतिक रोशन ने शानदार डांस किया, लेकिन ये गाना लिखा और कॉम्पोज इतने हल्के तरीके से किया गया कि इसकी वर्ड वैल्यू दर्शकों के बीच स्थापित नहीं हो सकी। अधिकतर दर्शकों का इस बारे में मानना रहा कि शराब का गाना होने के चलते अगर इसे आइटम नंबर के तौर पर किसी बड़ी हीरोइन पर फिल्माया गया होता तो इसका असर शायद बेहतर होता। कमजोर कड़ी नंबर दो, राधिका आप्टे। दोस्तों, विक्रम वेदा में सैफ अली खान की पत्नी के किरदार में राधिका आप्टे है। इस बारे में जब दर्शकों से राय शुमारी की गई तो अधिकतर की राय यही दिखी कि फिल्म में पारिवारिक दर्शकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। अगर फिल्म में सैफ अली खान के साथ किसी नामचीन अभिनेत्री को रखा गया होता तो महिला दर्शकों को भी इस फिल्म के लिए सिनेमाघरों तक लाया जा सकता था। राधिका आप्टे की मौजूदगी ने महिला दर्शकों को भ्रमित कर दिया और लोगों ने फिल्म को मिले यूएस सेंसर सर्टिफिकेट के बावजूद फिल्म देखने से परहेज किया। कमजोर कड़ी नंबर तीन, फिल्म की प्रायोजित मार्केटिंग। दोस्तों, जैसे जैसे ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैलती जा रही है कि फिल्म विक्रम वेदा की रिलीज और प्रेस शो से पहले सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रायोजित रिव्यू साझा करने और फिर उन्हें ट्रेंड करने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने मोटी रकम खर्च की है, लोग उन लोगों की शिनाखत में लग गए हैं। खास तौर से मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि इस फिल्म के प्रायोजित रिव्यूज के लिए मोटा पैसा बांटा गया है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अपने अपने तरीकों से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो रिव्यू या सोशल मीडिया रिव्यू के लिए इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा मिला था। और दोस्तों, इस बात ने दर्शकों को सिनेमा घरों तक जाने से रोक दिया। एंड कमजोर कड़ी नंबर चार, रिलायंस की गलत प्लानिंग। दोस्तों, आम दर्शकों के अलावा फिल्म विक्रम वेदा को लेकर दिल्ली, यूपी और ईस्ट पंजाब वितरण क्षेत्रों के लोग भी अपने अपने मत इस बारे में रख रहे हैं। जिस तरह के इस फिल्म की पब्लिसिटी रही है उसे देखते हुए कानपुर और लखनऊ के दर्शक मानते हैं कि इस फिल्म का प्रचार अगर ढंग से किया गया होता तो फिल्म का पहला वीकेंड बहुत शानदार निकला होता। फिल्मों के बजट आदि पर नजर रखने वाले दर्शकों का मानना है कि पहले तो इसे बनाने वाली कंपनी ने फिल्म का बजट अनावश्यक रूप से 175 करोड़ रुपए तक जाने दिया और फिर फिल्म के रिलीज से पहले हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिल्म के प्रचार पर बिल्कुल खर्चा नहीं किया गया। ये असंतुलित प्लानिंग भी फिल्म विक्रम वेदा के फ्लॉप होने का बड़ा कारण रही। तो दोस्तों, ये है वो चार कमजोर कड़ियां जिसकी वजह से ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 175 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। तो ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप इन कमजोर कड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।